नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ। स्टूडेंट वीडियो को ध्यान से सुनें और समझें। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ ये प्रश्न आपको आगामी परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनें। क्या है जरा ध्यान से सुनें। पहला प्रश्न, बाबर की अवधि क्या है? पूछ ली जाएगी बाबर की अवधि क्या है, तो जो कि मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर, 1526 से लेकर 1530 बाबर की अवधि है, याद होना चाहिए स्टूडेंट, पूछा जा सकता है। उसके बाद हुमायूं की अवधि क्या है? हुमायूं की जो शासन की अवधि है वो आपको याद रखनी है, 1530 से लेकर 1556, बहुत अच्छी तरह याद रखें, अच्छी तरीके से याद रखें। साथ के साथ याद रखना अकबर की अवधि क्या है, 1556 से लेकर 1605 अकबर की अवधि है, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जहांगीर की अवधि क्या है, 1605 से लेकर और 1627 जहांगीर की अवधि है, याद होना चाहिए। उसके बाद शाहजहां की अवधि क्या है, तो ध्यान रखना 1627 से लेकर और 1658, ध्यान से सुनना दोस्तों, 1627 से लेकर और 1658 शाहजहां की अवधि है, जो याद होना चाहिए। उसके बाद आपकी औरंगजेब की अवधि क्या है, 1658 से लेकर स्टूडेंट 1707 औरंगजेब की अवधि है। स्टूडेंट आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, अन्य प्रश्नों पर भी ध्यान दें। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछे जाएंगे जो मैं बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनो। बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर का मकबरा दोस्तों काबुल में है, ध्यान से सुनना है। उसके बाद आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद एग्जाम में पूछा जाएगा अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद पूछा जाएगा जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, ये भी आप याद रखें। उसके बाद पूछा जाएगा शाहजहां का मकबरा कहाँ है, शाहजहां का मकबरा आगरा में है, आपको ये बात मालूम होना चाहिए। एग्जाम में पूछा जाएगा औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैंने इस छोटी सी वीडियो क्लास के माध्यम से आपको इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने का प्रयास किया, और ऐसा मैं कह सकता हूँ कि आगामी परीक्षा में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।